उधर जर्मनी में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए जासूसी करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। चौंकाने वाली बात यह कि जिसे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया वो खुद जर्मनी के खुफिया विभाग में काम करता था, लेकिन उस आदमी के तार रूस से जुड़े थे। जर्मनी के खुफिया विभाग के मुताबिक उसके लिए काम करने वाले कर्मचारी ने कई सीक्रेट दस्तावेज रूस तक पहुंचाए, लेकिन जैसे ही पुतिन के लिए उसकी जासूसी का पता चला उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेन की जंग छिड़ने के बाद से ही जर्मनी रूस के खिलाफ खड़ा है। वो न केवल हथियारों से बल्कि पैसों से भी यूक्रेन की मदद कर रहा है। ऐसे में पुतिन के लिए जासूसी करने के आरोप में किसी का वहाँ पकड़े जाना जर्मनी के लिए भी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि उससे मिली जानकारी का इस्तेमाल रूस जर्मनी के खिलाफ कर सकता है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। ईडी ने ए राजा की करीब 55 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली और आरोप लगाया कि ए राजा ने तमिलनाडु के कोयम्बतूर में ये संपत्ति किसी और के नाम से खरीदी थी। करीब 45 एकड़ की जमीन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने जब्त किया। हालांकि ए राजा ने दावा किया कि जिस जमीन को ईडी ने उनकी बेनामी संपत्ति बताकर जब्त किया उससे उनका कोई लेना देना नहीं। इस बीच बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने बिना विकेट खोए 7 रन बना लिए, लेकिन वो भारत से अब भी 80 रन पीछे है, क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 227 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत की पहली पारी 314 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने 93 जबकि श्रेयस अय्यर ने 87 रनों की पारी खेली। उधर नेपाल के रास्ते भारत की घेरेबंदी की कोशिश में जुटे चीन को बड़ा झटका लगा। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने चीन की एक कंपनी को वहां एक्सप्रेसवे का एक बड़ा प्रोजेक्ट दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी, क्योंकि आरोप है कि चीनी कंपनी ने नेपाल की सेना को अपने झांसे में लेकर गलत तरीके से यह प्रोजेक्ट हथिया लिया था। और नेपाल के मीडिया के मुताबिक करीब 3 महीने पहले नेपाल की सेना ने खुद ही चीन की इस कंपनी को एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी तौर पर अनफिट घोषित किया था, लेकिन अचानक 14 नवंबर को नेपाल की सेना ने नियमों की अनदेखी कर चीनी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिसके खिलाफ इस प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने वाली भारतीय कंपनी ने नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने चीनी कंपनी को प्रोजेक्ट दिए जाने के सेना के फैसले पर रोक लगा दी। इधर ठंड के बीच दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि केरल के कई इलाकों में 26 दिसंबर को हल्की तो लक्षद्वीप में भारी बारिश का अनुमान है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के कब्जे वाले मारियोपोल में शवों की नींव पर पूरे शहर को दोबारा बसाने का काम तेजी से जारी है, लेकिन इस बार वहां यूक्रेन के नियम कायदे नहीं माने जाएंगे बल्कि मारियोपोल में अब रूस का कानून लागू होगा, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी हमलों में बर्बाद हो चुकी मारियोपोल की इमारतों को ढहाकर वहां यूक्रेन के नागरिकों के शवों पर नई इमारतें बनाई जा रही हैं। दावा है कि रूस शवों की नींव पर अपनी इमारतें खड़ी करने में जुटा है, मतलब ये कि मारियोपोल से यूक्रेन की पहचान मिटाने का काम जारी है। कहा यह जा रहा है कि इस तरह से रूस मारियोपोल में न केवल अपने आप को मजबूत कर रहा है बल्कि अपने खिलाफ सबूतों को भी मिटाने में जुटा है, क्योंकि मई में अजोव सागर के उत्तरी तट पर बसे इस शहर को पुतिन के सैनिकों ने तबाह कर दिया था। और